उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक दिन के सीएम की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। एक दिन के सीएम की कुर्सी डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल के पास पहुंचती है और फिर वह उस कुर्सी से एक दिन बाद ही बेदखल कर दिए जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो गठबंधन का दौर था उस समय के, आपने इतिहास का पृष्ठ ताज़ा किया है आज, और इस पर सोचना भी चाहिए था। एक दिन का गठबंधन, ये जो गठबंधन राजनीति होती है उसके दुष्परिणाम मैं इसका मानता हूँ कि वो घटना उत्तर प्रदेश को देखने को मिली। और संविधान में कहा गया है कि अगर कहीं कुछ गलत होगा, संविधान के विरुद्ध होगा, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको अवैध भी घोषित कर सकता है। और इसी तरह जगदम्बिका पाल जी जो मुख्यमंत्री बने थे वो संविधान की मान्यता के विरुद्ध था, और इसलिए उस पर रोक लगाई गई, उनको मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई। तो ऐसे प्रसंग प्रजातंत्र को कमज़ोर करने वाले होते हैं, और भविष्य में ऐसी स्थिति ना आए इस तरह का हम सबको प्रयास भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के इतिहास के साथ एक बहुत ही दिलचस्प और विवादित कहानी जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में 21 फरवरी 1998 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी जगदम्बिका पाल के पास आई थी। बाद में कोर्ट ने जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री लिखने की भी अनुमति नहीं दी थी और उन्हें जो संवैधानिक पद का दर्जा मिला था उस पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन जगदम्बिका पाल पूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से यहाँ नेम प्लेट लगाए हैं। यह कहानी भी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। धीरज त्रिपाठी, ETV, लखनऊ।